सम्मानित साथियों, 11 तारीख 11 सितंबर का जो कार्यक्रम रखा था उससे पहले अचानक से मुझे जाना पड़ा, जिस प्यार के बारे मैंने सोचा भी नहीं था वो प्यार मुझे वहां पर मिला। मुझे जो सम्मान वहां पर मिला मैं उसके लिए हमेशा ऋणी रहूंगा अपने भाइयों का। ग्लोबल रविदासिया फाउंडेशन और तमाम संगठन, हमारे गुरु घर की प्रबंधक कमेटियां, उन सब का साथ साथ मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा भी। जब मैं वहां गया मैंने वहां के एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को, वहां के रोजगार की व्यवस्था को, खेती की व्यवस्था को, वहां की सफाई व्यवस्था को, वहां के कर्मचारियों के समस्याओं को या वहां के कर्मचारियों के जीवन को, आम लोगों के जीवन को किस तरह से वो लोग जीते हैं, इसको भी मैंने सीखा और समझने का प्रयास किया। जिस राज की बात हम करते हैं, बेगमपुरा राज, मैंने महसूस किया कि वहां का जो राज व्यवस्था है वो बेगमपुरा जैसी है, वहां लोग खुश हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि हमें भारत में भी ऐसे ही अवसर और ऐसी ही व्यवस्था तैयार करनी है। वहां लोग हमारे लोग खुश हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन भारत में भी गरीबों, किसानों, कमजोरों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों की जिंदगी में सुख, सीधा और सम्मान आए, इज्जत की रोटी, साफ स्वच्छ कपड़ों के साथ जीवन यापन, सुकून की छत के नीचे पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था, झूठ द्वेष से दूर, अपने अधिकारों जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक, अच्छी पढ़ाई व्यवस्था, अच्छी रोजगार व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ एक आदर्श भारतीय का जीवन जीने के लिए तैयार होने योग्य बनाने के लिए भी हमें इधर भी काम करना है। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान। भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। आज का ये विशेष लाइव, जिसका उद्देश्य है 11 सितंबर को होने वाली रैली, एक आंदोलन जिसको हम लोगों ने तय किया है कि हमें यह आंदोलन अपने लोगों के हितों के लिए करना है, उनकी रक्षा के लिए करना है, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए करना है। और पिछले महीने हम लोगों ने इसकी घोषणा की थी। अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे और सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को मैं नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध से लेकर संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु नामदेव, संत गाड़गे जी महाराज, नारायणा गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, महामना राम सुवर्मा, चौधरी चरण सिंह, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवा, बाबू शिवदयाल चौरसिया, मान्यवर दीनाभाना वाल्मीकि, मान्यवर संतराम बी ए प्रजापति और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करते हुए मैं आज के अपने लाइव की शुरुआत करता हूं। और आप जानते हैं कि मैं अभी अभी 4 दिन का एक दौरा करके विदेश से लौटा हूं।
और ये भी दौरा जो है घूमने फिरने के लिए नहीं था, वहां रहने वाले समाज से अपनी बात रखने के लिए और उनसे भविष्य में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और अपने महान पुरुषों के जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए। और जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं उस आंदोलन में योगदान देने के लिए मैंने अपने 4 दिन वहां व्यतीत किए, हजारों लोगों से मिला, अपनी बात को समझाया और वो लोग मुझे सुनते भी हैं। मैं बड़ा खुश हूं कि जब मैं वहां गया तो 99% लोग ऐसे हैं जो मेरी पार्लियामेंट के स्पीचों को सुनते हैं, जो मेरे लाइव को सुनते हैं और जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो आज भी मेरे लाइव को सुन रहे होंगे, बाद में सुनेंगे, चाहे वो ऑस्ट्रिया के हों, चाहे वो वियना के हों, चाहे वो इटली के हों, चाहे हमारे गुरु घर जितने भी थे जहां जहां मुझे मिले, चाहे बरगामो में मिले हों या करमोना में मिले हों या ब्रसिया में मिले हों। और आपको जान के अचरज होगा कि कितने ही कंट्रियों के लोग वहां पर आए, सिर्फ एक दिन की खबर में मेरे जाने की खबर सुनकर कि भाई आ रहा है, हॉलैंड के से, पोलैंड से, स्कॉटलैंड से, नीदरलैंड से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, इतने लोग वहां पहुंचे। उन भाइयों से, माओ से, बहनों से बात करके मन में सुकून हुआ कि वहां रहने वाले लोग भी महापुरुषों के मिशन के बारे में उतना ही तकलीफ दर्द रखते हैं जितना यहां वाले रखते हैं। सम्मानित साथियों, 11 सितंबर का जो कार्यक्रम रखा था उससे पहले अचानक से मुझे जाना पड़ा, जिस प्यार के बारे मैंने सोचा भी नहीं था वो प्यार मुझे वहां पर मिला। मुझे जो सम्मान वहां पर मिला मैं उसके लिए हमेशा ऋणी रहूंगा अपने भाइयों का, ग्लोबल रविदासिया फाउंडेशन और तमाम संगठन, हमारे गुरु घर की प्रबंधक कमेटियां, उन सब का। साथ साथ मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा भी। जब मैं वहां गया मैंने वहां के एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ सिस्टम को, वहां के रोजगार की व्यवस्था को, खेती की व्यवस्था को, वहां की सफाई व्यवस्था को, वहां के कर्मचारियों के समस्याओं को या वहां के कर्मचारियों के जीवन को, आम लोगों के जीवन को किस तरह से वो लोग जीते हैं, इसको भी मैंने सीखा और समझने का प्रयास किया। जिस राज की बात हम करते हैं, बेगमपुरा राज, मैंने महसूस किया कि वहां का जो राज व्यवस्था है वो बेगमपुरा जैसी है, वहां लोग खुश हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि हमें भारत में भी ऐसे ही अवसर और ऐसी ही व्यवस्था तैयार करनी है। वहां लोग हमारे लोग खुश हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन भारत में भी गरीबों, किसानों, कमजोरों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों की जिंदगी में सुख, सीधा और सम्मान आए, इज्जत की रोटी, साफ स्वच्छ कपड़ों के साथ जीवन यापन, सुकून की छत के नीचे पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था, झूठ द्वेष से दूर, अपने अधिकारों जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक, अच्छी पढ़ाई व्यवस्था, अच्छी रोजगार व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ एक आदर्श भारतीय का जीवन जीने के लिए तैयार होने योग्य बनाने के लिए भी हमें इधर भी काम करना है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को याद करता हूं कि हम प्रथम और अंतिम भारतीय हैं।
मैंने वहां भी कहा ऑस्ट्रिया वियना यूरोपियन कंट्री में जाके कि मुझे गर्व है कि हम भारतीय, और मैं अपने देश से, अपने देश के झंडे से, उतना प्यार करता हूं जितना एक बेटा अपनी मां से करता है। मुझे मेरी मातृभूमि पर, मुझे मेरे देश पर, मुझे मेरे भारत पर गर्व। यहां कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, चाहे आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे गैर बराबरी हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, एजुकेशन और हेल्थ की समस्या हो, हम उन सब से दो चार हो सकते हैं। उन्होंने हमारे जीवन में परेशानियां पैदा की हैं। सबसे बड़ी समस्या आर्थिक गैर बराबरी से हुई है। उसके साथ साथ जिसने हमारा जीवन बिल्कुल बर्बाद कर दिया है वो है सामाजिक गैर बराबरी, जाति और धर्म के आधार पर। आज धर्म के आधार पर हिंसा हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों के धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। ये जो पॉलिसी है इससे भावनाओं को भड़काकर वोट तो मांगे जा सकते हैं लेकिन देश को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जाया जा सकता। सम्मानित साथियों, 11 तारीख को जो रैली होनी थी उसको अटकाने के लिए, उससे भय खा के सरकार और सरकार के सहयोगियों ने एड़ी चोटी के जोड़ लगाए कि हम परमिशन ना हो, और तमाम तरह की परेशानियां साथ में खड़ी की। लेकिन एक परेशानी सबसे बड़ी आई कि बारिश जो है लगातार जारी है। जो लोग यहां आ रहे हैं और हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है, आपने देखा होगा नेता तो टेंट के नीचे रहता है, वाटर प्रूफ जो टेंट होता है रहता है, लेकिन आम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी होते हैं उनको बारिश में भीगना पड़ता है, परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो मेरी और हमारे साथियों की जिम्मेदारी है कि किसी को उस तरह की परेशानी ना हो, इसलिए हमने मौसम को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी स्टेडियम जो आईटीओ के पास है, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो आईटीओ के पास है वहां पर इस अपने कार्यक्रम को सफल बनाने की व्यवस्था की है। जो कार्यक्रम पहले हमारा रामलीला मैदान में होना था, अब वो कार्यक्रम आप सबके सहयोग से इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है, जो आईटीओ के पास है, उसमें होगा। बहुत जल्द कल सुबह तक और आज लेट नाइट में उस कार्यक्रम की लोकेशन यूपी से आने वाले लोगों के लिए, जो गाजियाबाद के रास्ते आएंगे, जो हापुड़ के रास्ते आएंगे उनके लिए, जो नोएडा से होके आएंगे उनके लिए, जो हरियाणा से होके आएंगे उनके लिए, जो प्लेन से आएंगे उनके लिए, जो ट्रेन से आएंगे उनके लिए, जो बसों से आएंगे उनके लिए, किस तरह के कौन से रास्ते से आप आसानी से आ सकते हो, उसका रोड मैप मैं कुछ ही देर में अभी जारी करवा दूंगा।
और कल सुबह 11 बजे ट्विटर पर एक हैशटैग भी हम लोग चलाएंगे, 11 सितंबर इंदिरा गांधी स्टेडियम चलो। सितंबर को मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कार्यक्रम रैली संघर्ष आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचे। वहां पर अंदर और बाहर सभी के लिए हमने व्यवस्था की है कि आसानी से हमारी बात हमारे आने वाले बहादुर योद्धाओं तक पहुंचा है। मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं, 11 सितंबर सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम आईटीओ के पास दिल्ली, मैं आप सबका इंतजार करूंगा। हमेशा की तरह जिस तरह अभी तक आपने इस आंदोलन को सींचा है और मुझे हमेशा से आगे बढ़ाने का, आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों को कहूंगा कि वो घर ना रहें, एक दिन इस संघर्ष में अपना योगदान अवश्य दें। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंदिरा गांधी स्टेडियम आईटीओ पहुंचकर इस आंदोलन को सफल बनाएं। जय भीम, जय जोहार, जय मंडल, जय विज्ञान, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं और आशा और उम्मीद कि हमेशा की नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।